अमेजोन पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। चुट 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 क्यों? मैं देखो, जब भी मैं अमेजोन पे टू यूपीआई या फिर अमेजोन पे टू बैंक अकाउंट वाला ट्रिक बताता हूँ, 100% वर्किंग में आपको ट्रिक बताता हूँ। और भाई साहब, लोग अपने पैसे को अमेजोन पे से और कहीं पे निकाल भी लेते हैं। देखो, नॉर्मली अमेजोन पे का पैसा कहीं बाहर निकालना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स ही यूज करना पड़ता है, और ट्रिक्स ही आपका भाई टेक हेल्पर रोहित बताता है। और इस वीडियो में आपको जो ट्रिक बताऊंगा भाई साहब, जबरदस्त चुटकियों के अंदर आप अपने पैसे को निकाल लोगे इंस्टेंट के इंस्टेंट, जहां पर भी आप लोग निकालना चाहते हो। अब देखो, ये जो ट्रिक है ना, पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था वो ट्रिक 100% वर्किंग था, 100% वर्किंग था, उसी की तरह ये भी 100% वर्किंग है। पर क्या होता है कि ऑफर कभी-कभी चला जाता है, जो मैं तरीका बता रहा हूं, जब बहुत सारे लोग लूट लेते हैं तो फिर बाद के जो लोग होते हैं उनको वो नहीं मिल पाता है। लेकिन इस ऑफर में ऐसा प्रावधान है, ऐसा इसमें कंडीशन है कि अगर ऑफर ओवर भी हो जाएगा तो भी आपको मिल जाएगा। बस वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक देख लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं आप लोग पैसे को ट्रांसफर कर पाओगे दूसरी जगह। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, 100% 100% वर्किंग ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सो करना क्या है सुन लो। देखो, सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाता हूं, मेरा अमेजोन पे बैलेंस 2117 रुपीज का, मैं आपको इसमें जाके दिखा देता हूं। यहां पर देख लो, गिफ्ट कार्ड्स के अंदर है मेरा 2117 रुपीज, क्योंकि आपको पता होगा वॉलेट में हम एड मनी भी कर सकते हैं और एड मनी तो इजीली निकल भी जाता है। तो मेरा वॉलेट का नहीं बल्कि गिफ्ट कार्ड का बैलेंस है, और गिफ्ट कार्ड का पैसा मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा इंस्टेंट के इंस्टेंट। सो आप कैसे निकालना है, आप लोग मेरा यहां पर ट्रिक समझो। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग मैजिक पिन नाम के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो सर्च करके, ये रहा इसका इंटरफेस। अब इसमें साइन अप वगैरह कर लेना, ऊपर जो आपको सर्च का आइकन मिलेगा उस पर आपको सर्च करना है क्या, फोन पे। जी हां, फोन पे आप लोग सर्च करोगे, यहां पर फोन पे का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप लोग आ जाना। यहां पर आपको काफी सारे गिफ्ट कार्ड के ऑप्शन मिलते हैं, फोन पे का गिफ्ट कार्ड जिसमें आपको अलग अलग अमाउंट मिलता है, 500 रुपीज का फिलहाल के टाइम में हाईएस्ट है, हाईएस्ट तो नहीं है पर 500 का मिल रहा है, 50, 250 जितने का भी आप लोग लेना चाहते हो उतने का गिफ्ट कार्ड आप लोग यहां से ले सकते हो फोन पे के अंदर। और जो बड़े बड़े गिफ्ट कार्ड है 2000, 3000, 1000 रुपीज के, वो भाई साहब सोल्ड आउट हो चुके हैं, वरना 10-10 हजार रुपीज तक के गिफ्ट कार्ड यहां से मिलते हैं। अब इस गिफ्ट कार्ड को आप लोग फोन पे में पैसा लोगे तो ये आप लोग कोई सा भी गिफ्ट कार्ड यहां पर से ले सकते हो। अब आपको कौन सा लेना है और क्यों लेना है सुनो, यहां पर जो आप लोग गिफ्ट कार्ड लोगे वो आप लोग अमेजोन पे बैलेंस के थ्रू ले सकते हो। सो आपको क्या करना है कि यहां पर हाईएस्ट वाला गिफ्ट कार्ड ले लेना है, जो भी आपका अमेजोन पे बैलेंस है उस हिसाब से आपको ले लेना है। अगर 250 बैलेंस है तो आप 250 का ले लो, मेरा 500 से भी ऊपर है, लेकिन 500 हाईएस्ट मिल रहा है फिलहाल, तो मैं 500 रुपीज का गिफ्ट कार्ड को ऐड करता हूं। अभी ऐड हो गया, मैं प्रोसीड करता हूं, उसके बाद मैं ये 500 रुपीज पे करने को बोलता है, मैं पे पर टैप करता हूं, उसके बाद इसमें पेमेंट करने के लिए अमेजोन पे वाला वॉलेट वाला ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हो भाई साहब, लिंक अमेजोन पे वॉलेट का हमें ऑप्शन दिखा रहा है, यानी हम अमेजोन पे वॉलेट से डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो इस पर टैप करके यहां पर जो अमेजोन पे का आपका नंबर है उससे आप लोग अपने अमेजोन अकाउंट को लॉगिन कर लो, क्योंकि अमेजोन का पैसा हमको निकालना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूं, थोड़ा बहुत आपको ब्लैक स्क्रीन भी दिख रहा होगा क्योंकि बताना अलाउड नहीं। और देखो, 500 रुपीज मैंने पे कर दिया, देख सकते हो ये अमेजोन से मेरा 500 रुपीज कटा हुआ है, और यहां पर मेरे को 500 रुपीज का फोन पे का गिफ्ट कार्ड मिल गया, मतलब जो अमेजोन का आपका गिफ्ट कार्ड वाला पैसा रहेगा उससे आप लोग पैसा पे करके यहां से फोन पे का गिफ्ट कार्ड ले सकते हो। उसके बाद यहां पर जो आपको गिफ्ट कोड और पिन दिखा रहा है उन दोनों को आप लोग कर लो कॉपी, और उसको भाई साहब फोन पे के अंदर आप लोग ऐड कर, कुछ नहीं करना, आप लोग फोन पे के अंदर चले जाना, ऊपर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे टैप करना, और भाई साहब फोन पे गिफ्ट कार्ड का जो ऑप्शन मिलेगा उसमें जाके आपका वो जो गिफ्ट कार्ड नंबर और वो जो पिन था दोनों का दोनों डाल के कंफर्म कर देना, वो ऐड हो जाएगा। देख सकते हो 500 रुपीज हमारा यहां पर दिखा रहा है, यानी कि 500 रुपीज तुरंत ऐड हो गया, 500 रुपए हमने अमेजोन से लिया, मैजिक पिन में ऐड करा और फोन पे का गिफ्ट कार्ड लिया, फोन पे के अंदर हमारा पैसा ऐड हो गया। अब देखो, ये जो फोन पे का गिफ्ट कार्ड वाला पैसा रहता है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रहता है, इसको आप डायरेक्टली किसी को पे नहीं कर सकते, इसका सिस्टम ऐसा रहता है कि आप इसको किसी मर्चेंट के क्यूआर पे कर सकते हो, जैसे आप कहीं दुकानों पे शॉपिंग करते हो उनके मर्चेंट अकाउंट्स होते हैं तो किसी मर्चेंट के अकाउंट पे आप लोग पे कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी मर्चेंट के अकाउंट पे नहीं करना चाहते हो बैंक में लेना चाहते हो उसका भी तरीका है मेरे पास। आपको जो एक ये वाला ऑप्शन मिलता है इसमें जो सी ऑल का ऑप्शन है उस पर टैप करना, और यहां पर थोड़ा सा नीचे आपको एक गोल्ड का ऑप्शन दिख जाएगा उस पर आप लोग टैप करना, और इसमें क्या रहता है डिजिटल गोल्ड आप लोग परचेस कर सकते हो। तो यहां पर क्या करना है, ये जो वाई वन टाइम का ऑप्शन है इस पर टैप करके आपको यहां पर उस पैसे से गोल्ड परचेस कर लेना है जो 500 रुपीज आपका गिफ्ट कार्ड में ऐड है। देखो 500 रुपीज अमाउंट भी आ रहा है, तो मैं इसी से 500 रुपीज का अपना गोल्ड को परचेस कर लेता हूं। देख सकते हो यहां पर वही ऑप्शन आ रहा है जो हमारा गिफ्ट कार्ड में बैलेंस पड़ा हुआ है उसके थ्रू हम लोग पे कर सकते हैं, तो मैं वो 500 रुपीज यहां पर पे कर देता हूं। सो देख सकते हो हमारा गोल्ड परचेस हो चुका है। जब आपका गोल्ड परचेस हो जाए
जाता है, कुछ नहीं करना है। इस गोल्ड को अगर आप लोग सेल करोगे तो जो पैसा रहेगा ना वो आपको मिलेगा कहां पर, अपने बैंक अकाउंट के अंदर। यहां पर दिखाया भी जा रहा है कि जो पैसा आपका क्रेडिट होगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। सो जो गोल्ड आपने परचेस करा है उस गोल्ड को आप लोग सेल कर देना, यहां पर सेल गोल्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमेज़न का पैसा तो आपका निकल चुका है, लेकिन ये जो गोल्ड आपका सेल होता है, कोई भी डिजिटल गोल्ड अगर आप परचेस करते हो तो वो 48 आवर्स के बाद आप सेल कर सकते हो। तो 48 घंटे आपको रुकना होगा, उसके बाद सेल करोगे, सेल हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट पे पैसा इंस्टेंटली आ जाएगा। और भाई फोन पे है तो पूरा ट्रस्टेड ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन यहां से तो सिर्फ 500 रुपीज निकला, बाकी का पैसा कैसे निकलेगा? देखो बाकी का पैसा निकालने के लिए आपको यहां पर वेट करना पड़ेगा। देखो एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर आपको जो देखो बड़े बड़े जो गिफ्ट कार्ड है वो देख सकते हो सोल्ड आउट हो चुके हैं। आपके पास जितना भी पैसा है उतने का आप लोग गिफ्ट कार्ड यहां पर परचेस कर लेना, 2000, 3000, 5000, 10000 तक का भी मिलता है, तो उतने का गिफ्ट कार्ड परचेस कर लेना और उसको अपने फोन पे में ऐड कर लेना। फोन पे में ऐड करने के बाद वहां से गोल्ड परचेस करना और उस गोल्ड को 48 घंटे बाद सेल कर दोगे, आपके बैंक पे वो सारा पैसा रिसीव हो जाएगा। अब देखो इस चीज में यही दिक्कत है कि यहां पर जो गिफ्ट कार्ड है वो फिलहाल सोल्ड हो चुके हैं, जो बड़े बड़े वाले गिफ्ट कार्ड है, छोटे छोटे गिफ्ट कार्ड बचे हैं 500 रुपीज तक के। तो आप लोग 500 रुपीज तक ही अभी यहां पर निकाल सकते हो, आपको एक दो चार दिन का वेट करना होगा। जब भी ये गिफ्ट कार्ड वापस से ऐड हो जाते हैं तो आप लोग उनको परचेस कर लेना। ये इसके लिए आपको हर दिन यहां पर चेक करते रहना है, जब भी फोन पे का वो बड़ा बड़ा गिफ्ट कार्ड वापस आता है तो आपको उतना पैसा आप अपने अमेज़न पे से निकाल पाएंगे। फिलहाल आप सभी लोग 500-500 रुपीज निकाल लो। और हां आप लोग एक ही गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हो तो कोशिश करना कि आप बड़े से बड़ा गिफ्ट कार्ड खरीदो। और हां मैं अभी ये बता रहा हूं तब ये सारे गिफ्ट कार्ड्स लाइव हैं, लेकिन हो सकता है एक दो चार दिन के बाद ये गिफ्ट कार्ड भी हट जाए। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मैजिक पिन वाले इनका फोन पे से कोलैबोरेशन होता है, ये लोग फोन पे वालों से गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं और उस पे ये लोग कुछ पैसा वगैरह चार्ज करते हैं और हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो क्या रहता है कि अगर उन्होंने गिफ्ट कार्ड जो खरीदा है अगर वो उनका पहले ही बिक जाता है, फिर वो आपको नहीं दे पाते हैं, फिर उनका लिमिट ओवर हो जाता है, वो गिफ्ट कार्ड्स को फिर से ऑर्डर करेंगे। जब वो गिफ्ट कार्ड फिर से उनके पास आ जाएगा फिर दोबारा वहां पर वो ऑप्शन आ जाता है कि आप लोग गिफ्ट कार्ड क्लेम कर सकते हो और गिफ्ट कार्ड आप लोग अमेज़न पे बैलेंस के थ्रू क्लेम कर सकते हो, यानी जितना आपका अमेज़न का पैसा है उतने का गिफ्ट कार्ड लो, फोन पे में ऐड करो, फोन पे से आप लोग गोल्ड परचेस करो, 48 घंटों बाद उसको सेल करो, बैंक अकाउंट में अपने पैसे को विड्रॉ करो। इस तरीके से पैसा निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर यहां पर गिफ्ट कार्ड सोल्ड आउट हो चुका है कोई बात नहीं है, अगर नहीं हुआ है जा करके आप लोग ले लो, और सोल्ड हो भी जाता है तो भी प्लीज वेट कर लो, हमेशा ही ऑप्शन आता रहता है। पिछले कई महीनों से ये चीज चल रहा है कि गिफ्ट कार्ड वापस आता है, फिर चला जाता है, फिर चला जाता है, वापस आता है, कभी वापस आएगा कभी नहीं आएगा। सारा अपडेट इस टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, इसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो जरूर से एक लाइक करना ताकि आपको हमारी वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें और आप अपने पैसे को ट्रांसफर कर पाएं कहीं से कहीं। बाय बाय।